हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं? ठीक है, मैं ठीक हूँ। हमारी जो आपको पता है कि हमारी जो आयशा प्रिंसेस है वो अल्लाह के पास चली गई है। आप लोग आयशा के लिए जरूर दुआ करें। ये पाकिस्तान का वायरल गोल मटोल बच्चा कोई और नहीं बल्कि पीर अहमद शाह है, जिन्होंने हाल ही में अपनी एक साल की बहन को खो दिया है। हाल ही में अहमद शाह ने अपनी बहन के बारे में फैंस को बताया कि किस तरीके से एक साल की बहन इस दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए छोड़ गई। अपने वायरल वीडियो पीछे तो देखो से घर घर में एक अलग पहचान बनाने वाले अहमद शाह इस टाइम पर काफी दुखी है। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक नया वीडियो शेयर किया है जिसमे वो फैंस से ये रिक्वेस्ट करते नजर आ रहे हैं कि उनकी बहन के लिए ज्यादा से ज्यादा दुआएं मांगी जाएं। इस टाइम पर अपने वीडियो से वायरल हुआ पाकिस्तान का ये क्यूट बच्चा पीर अहमद शाह और उनका परिवार काफी बुरे दौर से गुजर रहा है। पीर अहमद शाह की साल भर की नन्ही बहन की मौत हो गई है और इस बारे में सोशल मीडिया पर खुद उन्होंने बताया था और अपनी बहन की आत्मा की शांति के लिए सभी से सूरह फातिहा पढ़ने के लिए भी कहा था। सोशल मीडिया पर इस खबर के सामने आने के बाद अहमद शाह के फैंस गमजदा हैं और उन्हें ढांढस बंधा रहे हैं। इसके साथ ही इस बुरे वक्त में फैंस अहमद शाह के परिवार का साथ भी दे रहे हैं। हाल ही में अहमद शाह ने इंस्टाग्राम पर अपनी बहन की फोटो को पोस्ट किया और आंसू बहाने वाले दिल टूटने वाली इमोजी बनाए। सामने आई फोटो में आप देख सकते हैं कि अहमद शाह की बहन आयशा बेहद क्यूट थी और इस तरीके का पोस्ट हर किसी को रुआंसा कर रहा है। आपको बता दें, हाल ही में 26 अक्टूबर को अहमद शाह ने अपनी बहन की बेहद प्यारी फोटो को पोस्ट कर उसके नाम का खुलासा किया था और कैप्शन में सिर्फ आयशा प्रिंसेस लिखा था। लेकिन अब एक साल की बहन के इस दुनिया से चले जाने के बाद अहमद पीर टूट गए हैं। आपको बता दें, पीर अहमद शाह पूरे पाकिस्तान में पठान का बच्चा नाम से हमेशा खबरों में बने रहते हैं। उनके कई सारे वीडियोस अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वायरल होते रहते हैं। फैंस को उनका गोलू मोलू सा लुक और स्माइल बेहद पसंद है, लेकिन इस टाइम पर इस प्यारे से बच्चे की स्माइल कहीं गायब हो गई है क्योंकि इस टाइम पर वो अपनी बहन के जाने से बहुत ज्यादा गमजदा है। हमारी जो आपको पता है कि हमारी जो आयशा प्रिंसेस है वो अल्लाह के पास चली गई है। आप लोग आयशा के लिए जरूर दुआ करें।